ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए बात करते हैं चार्ल्स लॉ की कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। देखिए चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ जो है इसको जे चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने 1877 में इसके बारे में बताया। उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया और ये जो रिलेशन है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पर देखा गया। इसके पहले हमने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था। जो बॉयल्स लॉ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम कर रहा था और जो चार्ल्स लॉ है ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है चार्ल्स लॉ। तो यहां पर भी इन्होंने एक रिलेशन की बात की, किसके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कहां पर कहा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए बेटा अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की तो चार्ल्स लॉ है इन्होंने एक रिलेशन दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर पर। जो बॉयल्स लॉ था उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी, लेकिन चार्ल्स लॉ ने क्या करा, चार्ल्स लॉ ने यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात की और कांस्टेंट प्रेशर पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। जब हम उस रिलेशन की बात करते हैं मैथमेटिकली उसको लिखते हैं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, कहां पर बेटा, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अगर मैं यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करता हूं, इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा के। और जब इस टेम्परेचर को जब मैं उधर पहुंचा देता हूं तो मेरे पास हो जाता है वी अपॉन में टी इज इक्वल टू के। समझने के लिए इसे इक्वेशन नंबर वन हम बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम टू बोल सकते हैं। अब सेम कंडीशन यहां पर भी है, क्या है कंडीशन कि जब हमारे पास टेम्परेचर यदि चेंज होता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होने पर क्या होगा, तो टी वन है वो क्या हो जाएगा आपका, टी टू हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम भी क्या है, V1 है तो V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, V1 अपॉन में हो जाएगा T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में हो जाएगा T2 इज इक्वल टू K। K हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो इस तरह से हम चार्ल्स लॉ को इजिली से समझ सकते हैं। क्या कहा चार्ल्स लॉ ने, चार्ल्स लॉ ने एक रिलेशन की बात की, उन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन दिया एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और उन्होंने कहा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसी तरह से हम इसको मैथमेटिकली राइट करते हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है बेटा, और कॉन्स्टेंट को वही रहने देते हैं, टी को हम इस साइड पहुंचाते हैं तो वी अपॉन में टी होता है। सपोज अगर हमारा, या कहें कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो T1 T2 हो जाएगा, V1 V2 हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू K। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास इस रिलेशन को अगर हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो एक अदर रिलेशन है हमारे पास। इस रिलेशन को आप देख रहे हैं कि VT इज इक्वल टू V0 प्लस माइनस का साइन है V0T अपॉन में 273। इस रिलेशन को समझते हैं क्या है, यहां पर V0 को मैं ये लेने देता हूं और 1 प्लस माइनस T और 273। ये जो VT है ये वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। V और T जो लिखा हुआ है, V कैपिटल है, T स्मॉल है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसी तरह से अगर V0 की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो V0 वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। फिर बात करते हैं T, T हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है उसको हम T की जगह पर पुट कर देंगे। और ये जो साइन है प्लस और माइनस का, ये डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो साइन आपका पॉजिटिव प्लस का होगा, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आपका साइन जो होगा वो माइनस का होगा। तो प्लस माइनस का साइन इंक्रीज और डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है। जो V0 होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो इस तरह से एक अदर रिलेशन हमारे पास होता है जिसको आप इजीली से समझ सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं इसके भी ग्राफ की बात करूं
तो ग्राफ को समझने के लिए मेरे पास देखेंगे, मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना दिया है, देखते हैं क्या है ग्राफ। ठीक है बेटा, ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमने यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया है तो यहां पर मैंने दो टेम्परेचर लिखे, एक सेल्सियस में स्केल है और एक मेरे पास केल्विन में। पहले मैं सेल्सियस की बात करता हूं, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका और 100, 200 और इंक्रीज होते जाएगा टेम्परेचर। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये जो ग्राफ होता है बेटा ये मुझे मिलता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। कब मिलता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। इसलिए इस ग्राफ को हम किस नाम से जानते हैं? आइसोबार। इसे आइसोबार ग्राफ के नाम से हम आइडेंटिफाई करते हैं या जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर, सॉरी प्रेशर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जब भी कोई ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है तो उसे आइसोबार ग्राफ के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन अगर मैं 273 केल्विन की बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो यहां पर है और ये जो आपका डैश डैश है ये -273, मतलब जो टेम्परेचर कम होगा तो एक्स्ट्रा पोलेशन मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे हमारे पास ये वॉल्यूम और आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो यहां पर एक सिंपल सा ग्राफ है जो मैंने दो वैल्यूज में लिखा है टेम्परेचर को, एक सेल्सियस के रिस्पेक्ट में और एक केल्विन के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से वॉल्यूम जब आपका बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले 0 डिग्री के बीच की अगर हम बात करें तो यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या कहीं 273 केल्विन पर हमारा जो वॉल्यूम होता है वो यहां पर क्या होता है, बहुत ही कम है। लेकिन यहां देखेंगे तो यहां बहुत ज्यादा है। तो ये वी जीरो जो लिखा हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो वी जीरो जो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी जीरो क्या होगा हमारा, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वी जीरो जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा यहां पर मैंने डैश डैश बना रखा है, ये जो डैश डैश वाली लाइन है ये एक्स्ट्रापोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जैसे कि मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर मैं कुछ कंडीशंस ले लेता हूं। कंडीशंस का मतलब कि मेरे पास एक लो प्रेशर है और एक हाई प्रेशर है, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखेंगे आप तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैंने यहां पर डैश डैश बना रखा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर, सॉरी वॉल्यूम को बढ़ाने पर हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर हमें दो ग्राफ ऑप्टन, दो लाइन देख रहे हैं आप लोग जो कि स्ट्रेट है। फर्स्ट हमारे पास P1 जिसको मैं बोलता हूं कि ये हमें लो प्रेशर पर ऑप्टेंड हो रहा है, और सेकेंड मेरे पास जो दिया हुआ है वो P2 है। तो P1 जो है बेटा वो लो प्रेशर पर ऑप्टेंड होगा और P2 जो है वो हमें हाई प्रेशर पर ऑप्टेंड हो रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो डैश डैश है ये क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर -273 और केल्विन में ये जो वैल्यूज है उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको लिखा है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बात करूं कि यहां पर भी जो डेंसिटी है क्या वो अपना रोल प्ले करेगी। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा बॉयल्स फ्लो होता है वो जो प्रेशर होता है उसकी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉयल्स फ्लो में डेंसिटी जो होती है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं डेंसिटी की, तो यहां पर हमारा जो डेंसिटी होता है वो टेम्परेचर के, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हमारा जो डेंसिटी होता है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इस बात को जरूर ध्यान रखें। क्या कहा मैंने कि हमारा जो डेंसिटी होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए वहां पर हमने बॉयल्स फ्लो की अगर हम बात करें तो बॉयल्स फ्लो में हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया था, तो कांस्टेंट प्रेशर जब हमने सॉरी बॉयल्स फ्लो में हमने क्या लिया था, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था। और चार्ल्स फ्लो में हम किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम डेंसिटी को जब देखते हैं तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ल्स फ्लो के अंदर। क्लियर?
क्लियर है इतना? एक बार शॉर्टकट में समझते हैं क्या कहा मैंने। चार्ल्स लो जो होता है इसे 1877 में जे चार्ल्स ने बताया। उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। तो चार्ल्स लो ने कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन कहा। उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कहें कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जैसे आप रिमूव करोगे आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा। टी को जब हम उधर ले जाते तो वी बाई टी होता है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दीजिए आप। जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो T1 T2 में कन्वर्ट होता है, V1 V2 में कन्वर्ट होता है, जिसको मैं चार्ल्स लो के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूं। अदर रिलेशन की बात करें तो वी टी जो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हो, यहां पर वी जीरो जो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। टी जो होता है टाइम, सॉरी टेम्परेचर जो चेंज होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये जो साइन दिया हुआ ये कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा तब। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ को भी इजीली से हम समझ सकते हैं और इस वाले ग्राफ को भी हम समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ हमें अपटेंड हो रहा है इस ग्राफ को हम आइसोबार ग्राफ के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यहां पर जो ग्राफ हमें अपटेंड हो रहा है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अपटेंड हो रहा है। जब भी कोई ग्राफ हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अपटेंड होता है उसे आइसो बार ग्राफ के नाम से जाना जाता है। सो इस तरह से हम चार्ल्स लो की बात करते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपका काम आसान हो जाए।